उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा करीब 2500 कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार से उपचुनाव की तैयारी तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर पार्टी हारी है उस पर मंथन किया गया। इसके अलावा हार की क्या वजह रही, अधिकारियों को लेकर पब्लिक में क्यों नाराजगी है, तहसील थानों और दूसरे सहकारी दफ्तरों में सरकारी दफ्तरों में पार्टी कार्यकर्ताओं की क्यों सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन हाल ही में विधानसभा की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडी गठबंधन का हौसला बढ़ा है और बीजेपी को नुकसान हुआ है। साथ ही इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में बीजेपी की इस कार्य समिति की बैठक को अहम माना जा रहा है। मजबूत इंडिया गठबंधन को तोड़ने की रणनीति कैसी बनी है, साथ ही आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के पास अब जीत का रोड मैप कैसा रहने वाला है, बीजेपी के मेगा मंथन के बाद देश के जहन में ऐसे ही कई सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का क्या मंत्र देते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खनोच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था, कोई संदेह नहीं। 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को
जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से 64 सीटों पर, 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई है, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट, और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करते हैं। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, यह भी हमको ध्यान में। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी है। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती, और ये जब इंडिया अलायंस है ये सारा जोड़ लें तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है, यह भी हमको। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्य समिति में क्या निकल कर सामने आया, क्या चीजें थी और इस पर क्या कुछ आगे हो सकता है, कई बड़े सवाल देश के सवाल के तौर पर निकल कर सामने आ रहे हैं। पहला ये, इस बैठक से आखिर मिला क्या, निकला क्या है इस बैठक से। दूसरा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहां चूक कर गई, क्या मंथन इस पर भी हुआ, क्या उन चीजों को पकड़ा गया। हार की समीक्षा के बाद क्या जीत का रोड मैप बना, क्या उसको तैयार किया गया। चुनावी चुनौतियों से निपटने की अब क्या रणनीति होगी, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। मजबूत विपक्ष को बीजेपी अब आगे कैसे चुनाव में कमजोर करेगी, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर खुद को आगे रखना है, सत्ता को अपने हाथ में रखना है, तो समीकरणों को, नंबर को अपने हाथ में रखना होगा, और उसके चलते अगर विपक्ष को वो कमजोर कर देती है तभी वो पक्ष यानी सरकार में रह पाएगी, नहीं तो सरकार कोई और बना ले जाएगा और वर्तमान सत्ता फिर विपक्ष बन जाएगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे आज की वर्तमान राजनीतिक जो उथल पुथल है उसको लेकर क्या कुछ सोचा जा रहा है। एस एन सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, प्रियंका जी मेरे साथ